भाई साहब महल से बाहर आ रहा हूँ मैं, ये पुष्पक विमान है ना, लेकिन इसका एक हिस्सा तो ये टूट गया है। तो यहाँ पे ये रथ है, ये भी तो रथ है ना, है काफी बड़ा ऐसा है, ऊपर से पूरा जर्जर हो चुका है, खत्म। नीचे तो अभी कुछ थोड़ा बहुत बना हुआ है। यहाँ पे देखो ज्यादा बात कर रहा है, अभी उड़ा दूंगा तेरे को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूँ गुजरात के उमरगांव, एक छोटा सा शहर है, उसमें पीछे मेरे देखो उमरगांव लिखा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे उतरे थे ट्रेन से, बापी से हम लोग बैठे थे, बापी से ये 30 किलोमीटर पड़ता है, और बापी हम पहुंचे थे कल आगरा से। आज मैं जाने वाला हूँ वृंदावन स्टूडियो, जहाँ पे रामायण की शूटिंग हुई थी, जो रामानंद सागर साहब जी ने बनाई थी। रामानंद सागर की जो रामायण है काफी पॉपुलर हुई थी, उधर चलते हैं, वहीं चल के बताते हैं। अभी हम स्टेशन पे खड़े। अच्छा अंकल, यहाँ पे आप इधर से ही हैं क्या, उमरगांव से ही? आप उमरगांव से ही हैं क्या? रामायण की शूटिंग इधर ही हुई थी वृंदावन स्टूडियो में? दोस्तों जब पहली बार दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू हुआ था, तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लोकप्रिय साबित होगा। लॉकडाउन में एक बार फिर से इसका पुनः प्रसारण शुरू किया था, तो इसने नए रिकॉर्ड कायम किए थे। जब हम लोग रामायण को देखते हैं तो उसमें वन, दरबार, महल, नदी, ये सब देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब वास्तव में वहाँ पर रहा होगा। रामानंद सागर ने रामायण को इतने अच्छे तरीके से फिल्माया है कि दरअसल जहाँ पे रामायण की शूटिंग हुई थी वो एक सेट तैयार किया गया था जो रामायण के लिए ही था। आज हम उस सेट पे पहुँचे हैं, पीछे वहाँ पे है वृंदावन स्टूडियो जहाँ पे रामायण का सेट मतलब तैयार किया गया था। तो चलेंगे आज आप लोगों को रामायण का सेट दिखाएंगे और पूरा वृंदावन स्टूडियो जो है वो आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम लोग जो वृंदावन स्टूडियो है उसके अंदर आ गए हैं, लेकिन बैड लक, आज यहाँ पे शूटिंग नहीं हो रही है, आज सैटरडे है। वैसे तो संडे सैटरडे बताया ऑफ रहता है, लेकिन अभी अंकल से हमने पूछा तो वो कह रहे थे कल का तो पता नहीं पर आज ऑफ है, कल हो सकता है शूटिंग हो। अभी यहाँ पे दो सीरियल की शूटिंग चल रही है, एक तो राधा कृष्णा और एक और बाल कृष्णा, कुछ ऐसे कुछ करके बताया था। तो ये देखो यहाँ पे एक सेट बना हुआ है जो दरबार टाइप का है, ऊपर से पूरा जर्जर हो चुका है, ख़त्म है। नीचे तो अभी कुछ थोड़ा बहुत बना हुआ है। यहाँ पे देखो एक पेड़ है, ये पेड़ तो रियल है, आम का पेड़ है, रियल पेड़ है, लेकिन ये चीज़ें देखो आर्टिफिशियल बनाया गया है। ये प्लाई बोर्ड है, ऊपर ये मैट लगाया गया है, यहाँ पे एक रथ खड़ा हुआ है जिसको कवर कर दिया है। कहा भैया छुट्टी हो गई क्या, टन 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 कोई बजा रहा है। इस सेट को देखते हैं, यहाँ पे ये एक दरबार टाइप का बनाया गया है, सेट भी काफी पुराना है। यहाँ पे एक मटका टाइप का बना हुआ है, मटके को चाहो तो उठा भी सकते हो। भाई साहब महल से बाहर आ रहा हूँ मैं, अंदर नहीं दिखाना है, अंदर बहुत बड़ा महल है पर दिखाना नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं है यार, अंदर पूरा खाली खाली है, क्या है ये? ये झोपड़ी बनी हुई है और झोपड़ी के चारों तरफ कवर किया गया है, जैसे कि आप लोगों को सीरियल के अंदर दिखता है, रामायण के अंदर भी दिखाया गया है, जहाँ पे राम ने अपनी जो बनाई थी ना पंचवटी पे रोके थे ना राम, वहाँ पे उन्होंने झोपड़ी बनाई थी, तो इस टाइप का कुछ बनाया था। रात में भी यहाँ पे शूटिंग होती है, मरकरी लाइट लगी हुई है, और ये पेड़ बना रहा है, ये भी आर्टिफिशियल है, देखने में कितना अच्छे लग रहा है रंग बिरंगे ना। चलिए बाहर निकलते हैं और भी कुछ दिखाते हैं आप लोगों को।
थैंक यू। हम यूपी से आए, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, रामायण की शूटिंग यहीं पे हुई थी? हाँ, रामायण पूरा, रामायण कृष्ण जय हनुमान कार्तिक जय महाभारत बहुत सीरियल हो गए। आप इधर कितने दिनों से हैं? हम 50 साल हो गए इधर। 50 साल से इधर ही हैं। तो रामायण की शूटिंग यहाँ पे भी हुई थी? हाँ, इधर इधर हुई थी ना, कि बट के नीचे क्या बनाया गया? बच्चे पढ़ने को आते हैं, सरस्वती का वो सब हुआ था। अच्छा। फिर सबरी का भी इधर हुआ, सबरी का भी यही हुआ, रामायण पूरा इधर। ये मंदिर तो रियल है ना? मंदिर रियल है, ये मंदिर रियल है, वहाँ का वहाँ से इधर। अच्छा, नकली नहीं है, ओरिजिनल मंदिर, ओरिजिनल मंदिर, बनावटी नहीं है। देखो गजा बजा सब। अच्छा, रामायण के अंदर जो जंगल वगैरह दिखाया गया था वो सब पीछे था, सब निकाल दिया इधर, पीछे सब निकाल दिया, बहुत था जंगल, निकाल दिया अभी ये लोग ने, सब सेट बना दिया। मतलब रामायण का पूरा शूटिंग इधर ही हुआ, स्टार्ट टू एंड ये स्टूडियो। आपने तो पूरा देखा होगा ना? हम तो मैनेजर ही था। अच्छा, मैनेजर थे आप? मैनेजर अभी भी मैनेजर ही हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे कौन कौन सा शूटिंग होता है? अभी चालू है, दो हो रहा है, राधे कृष्ण राधा कृष्ण, 3-3.5 साल हो गए उसको, और दूसरा जय कन्हैया लाल। अच्छा, रामायण में जो मतलब जैसे वो दिखाते थे सरयू नदी, तो वो कहाँ पे लिए जाते सीन? वो सब सामने दरिया है, समुद्र के किनारे, समुद्र है, समुद्र तट पे लेते है। बाद बाकी पंचवटी वगैरह सारा इधर ही बना दिया, सब इधर ही बना। लंका भी इधर यही जगह, पूरा लंका पे आगे। अच्छा, लंका भी पूरा इधर ही। अशोक वाटिका में दिखाते सीता एक बट के पास, वो अंदर बनाया था, सेट था वो। अच्छा, वो सेट था पूरा। आ जाओ भाई, प्रसाद लेने। प्रसाद कितने दिनों तक शूटिंग चलाता है यहाँ पे? रामायण का चला करीब 3-4 साल तक, 350 दिन, लगभग 1.5 साल दिखाते हैं वो लोग, तो 1.5 साल तक शूटिंग हुआ था। नहीं नहीं हम इधर है तो हमको पता है ना। अच्छा, फिर 6 महीना तो पास नहीं हुआ उसका सीरियल, समझा, 6 महीना पास ही नहीं हुआ। रामानंद सागर दिल्ली बॉम्बे करता था, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दिया, बोलते आप लोग क्या कर रहे है, धर्म का प्रचार कर रहे है, हिंदू धर्म का नहीं होएगा इधर। ये इंदिरा गांधी का टाइम थी, 1985 में रामायण स्टार्ट किया इधर, 1985 स्टार्ट हुआ था शूटिंग। हाँ, 89 में पूरा हुआ, 89 में एंड हो गया था। हाँ, फिर कृष्णा चालू किया 90 में। हाँ, वही रामानंद सागर साहब का, उसका ही था। हाँ, वो भी अच्छा है। महाभारत का भी हुआ इधर? महाभारत का 15 दिन का इधर बार हुआ था, आउटडोर। अच्छा, वो आउटडोर हुआ था, ये हिट गया ना उसका पब्लिसिटी के, इधर पब्लिक 10,000-5,000 कितनी पब्लिक आती थी कोई अंदाज ही नहीं। इधर और भी स्टूडियो है ना उमरगांव में? एक है ना, लोग ने इधर से कमा के बनाया, स्वास्तिक वाला इधर कमाए, 10 साल हो गया, बहुत बड़ी पार्टी हो गई भी, ये माँ का आशीर्वाद से इधर जो आए वो नोट छाप के ही आज तो जितने आए वो कोई कंगालों के नहीं है, माँ का आशीर्वाद से। जय माँ वैष्णो देवी भी इधर हुई थी, धीरज कुमार का। अच्छा, बड़े आर्टिस्ट भी इधर से सब आगे बढ़े, अक्षय कुमार इधर से टॉप में गया, अक्षय कुमार का भी शूटिंग हुआ यहाँ पे। हाँ, फिर मिथुन दा भी इधर से टॉप में गया, आराम से। ओके, अरे ये तो जंगल अंगल है। ये पूरा जंगल का सेट है, हमारे इधर से देख ले यहाँ पे। सब आर्टिफिशियल, पूरा पेड़ वेड़ है, तो यहाँ पे ये देखो पूरा जंगल टाइप का बना हुआ है, आर्टिफिशियल जंगल है पूरा। देखो ये पेड़ वगैरह जो देख रहे हैं, शायद आप लोगों को कम देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे रोशनी वगैरह नहीं है, जब शूटिंग वगैरह होती है तो रोशनी करते हैं, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखो पूरा पेड़ है ना, ये पेड़ पे चढ़ के जाओ। हाँ, लाइट होती तो मजा आता यार।
ये यहाँ पे देखो, ये वाला जो सेट था ना, अभी हम इसके अंदर गए थे, ये जय कन्हैया लाल का है सेट। हमें बाहर अभी पूछा था दादा से कि ये किसका सेट है, ये जय कन्हैया लाल सीरियल जो आता है उसका सेट है। यहाँ पे देखो ये कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है जो शूटिंग का मटेरियल है, हालांकि अब तो ये मतलब ख़त्म हो चुका है, पूरा ख़राब हो चुका है। ये देखो क्या है, ये क्या है, ये सूर्य है क्या? एक ये है, एक और पड़ा है यहाँ पे, इस टाइप का बहुत सारा मतलब मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। रामायण के अंदर जो जंगल दिखाया जाता है ना, जंगल देखो यहाँ पे कितना घना जंगल है आगे की तरफ। अब थोड़ा जंगल दिखाते हैं, उसके बाद फिर और सेट चलेंगे आगे, और भी सेट यहाँ पे बने हुए हैं। ये पूरा जंगल है इस टाइप पे, अगर देखोगे यहाँ पे, ये देखो अमरूद का पेड़ है ये, और यहाँ पे ये गुलाब के पेड़ हैं, और पीछे पूरा जंगल है। तो जंगल वाले जो सीन लिए गए थे, पूरा पंचवटी वगैरह जो भी कुछ बनाया गया था, सारा इधर ही था, इसी जंगल में। जो पुजारी जी मिले थे ना, वो तो यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं। पूरी शूटिंग जो हुई थी रामायण की, उन्हीं के सामने हुई थी, तो वो बता रहे थे कि सारे सीन इधर ही लिए गए थे, पूरा शूटिंग इधर हुआ था लगभग 1.5 साल तक। वो तो 2-3 साल तक बता रहे थे, क्योंकि शूटिंग को स्टार्ट होने में लगभग 6 महीने से ज़्यादा लग गए थे परमिशन लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पर शूटिंग स्टार्ट हुई, और फिर यहीं पे पूरी शूटिंग हुई है। समुद्र के किनारे के सीन लिए गए हैं, वो समुद्र का जो किनारा है बस आगे ही है थोड़ा सा, मुश्किल से यहाँ से 200 मीटर नहीं होगा। ये पूरा इधर जंगल है, नारियल के पेड़ हैं, और भी झाड़ियाँ वगैरह हैं। आओ आगे दिखाएं का। अच्छा यहाँ पे यार एक बात है ना, ये लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ये वो लोग हैं जो शूटिंग में काम करते हैं, वो लोग यहीं पर रहते हैं। जो रामायण में कलाकार वगैरह थे वो सारे लोग यहीं पे स्टे करते थे, यहीं पे रुकते थे, क्योंकि मुंबई यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, तो कलाकार वगैरह सारे लोग यहीं पे रुकते थे। जैसे अभी वो हमें बता रहे थे, जो रावण का किरदार निभाया था ना, रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी नाम है उनका, वो डेली आते जाते थे ट्रेन से, मुंबई चले जाते थे शाम को, फिर सुबह आते थे। और बाद बाकी जितनी भी कास्ट जो थी, मतलब जो कलाकार थे, वो यहीं पर रुकते थे, यहीं पर स्टे करते थे। देखो पूरा नारियल का बगीचा, सारे नारियल के पेड़ हैं। यार जो लोकेशन है ना, वो भी काफी खूबसूरत है, मस्त लग रही है। इधर देखो पूरा जंगल कितना मस्त लग रहा है, और यहाँ पे जंगल के बीच में भी ना लाइट की व्यवस्था की गई, क्योंकि यहाँ पे नाइट के सीन भी लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे इसको मतलब रोशनी वगैरह यहाँ पे करी जाती होगी। वहां पे एक घर बना हुआ है, एक घर यहाँ पे बना हुआ है, एक घर वहां पे बना हुआ है, वो जंगल के बीच में दिख रहा है क्या, वहां पे भी एक घर है। तो सारे लोग इधर ही रहते हैं शूटिंग वाले, और उधर भी बने हुए कुछ घर, वो वहाँ पे जंगल के बीच में। और जब आप लोग इस स्टूडियो में एंट्री लेते हैं ना, तो उसके जब एंट्री लेंगे तो आजू बाजू में कुछ लोग और भी रहते हैं जो इधर ही काम करते हैं। यहाँ पे कुछ वेस्टेज मतलब मटेरियल पड़ा हुआ है, एक मंदिर टाइप का यहाँ पे बना हुआ छतरी है, ये छतरी आप लोग देख रही है, ये छतरी बनी हुई है। और यहाँ पे देखो एक वो वहाँ पे नाव है, नाव तो काफी पुरानी है, एक वो रथ है छोटा सा। नाव तो मेरे हिसाब से शायद रामायण के समय की हो सकती है, क्योंकि काफी पुरानी नाव दिख रही है ये। लगाए दे हमारी नैया को पार ओए रे खेवैया, इसमें वो लगा है, इधर देखो पंप सेट जिससे ये चलती होगी, रियल बनाई गई होगी, ये देखो ना, ये मतलब समुद्र में डाल के चलाते होंगे ये लोग। वो है पुष्पक विमान जिसमें रावण चलता था, है? ये तो मेरे हिसाब से रामायण का ही लग रहा है मेरे को, ये पुष्पक विमान है ना, लेकिन इसका एक हिस्सा तो ये टूट गया है, काफी भारी है यार। वहां पे बैठने का था पुष्पक विमान बोले तो ऐसा है ना, जैसे चील या बाज होता है वही तो है। वहां पे देखो एक इतना बड़ा हाथी बना हुआ है, हाथी का स्टेचू है, ये पूरे रामायण का ही है ना। हाँ ये हो सकता है, ये वाला सेट पूरा रामायण का ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये रथ है, ये भी तो रथ है ना, ये हाथी कितना बड़ा बनाया गया है। और इसी हाथी को ना ये लोग रियल दिखा देते हैं, ऐसे लगता है कि रियल का हाथी
है काफी बड़ा, इतना बड़ा हाथी है कि इसकी छांव में मैं खड़ा हुआ हूँ नीचे, काफी बड़ा है। यहाँ पे सारा वो शूटिंग का मटेरियल रखा हुआ है, ये ढाल है, यहाँ पे ये गदा रखी हुई है ना हनुमान जी वाली, ये देखो यहाँ पे। अच्छा ये सारा सामान ना एक मतलब बंदा मैनेज करता है यहाँ पे, ये कुर्सी वर्सी पड़ी हुई ना, और उसके बाद जो जरूरत पड़ती है वही देता है निकाल के। अगर ज्यादा बात की ना तो घूसूंगा अभी तेरे अंदर। हाँ चंडी माँ बन जाऊंगा अभी, क्या करूं खत्म कर दूं कैमरामैन को? नहीं भैया मेरी वीडियो कौन बनाएगा तब, अगर कैमरामैन खत्म हो जाएगा तो, अगर ये मारेगा मेरे को तो ऐसे करके ढाल कर दूंगा। अच्छा ज्यादा बात कर रहा है, अभी उड़ा दूंगा तेरे को, मतलब मेरे को तलवार से मार रहा था, खत्म कर दूंगा, समझ में आया? इससे भी बड़ी है मेरे पास, समझ में आया? यार ये कौन से जमाने की राइफल है भाई, अंग्रेजों के जमाने वाली है क्या है? अभी हम लोग वृंदावन स्टूडियो जो है उससे निकल के बाहर आ गए, वहां पे उसका गेट दिख रहा होगा, और गेट के बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे देखो ये रोड, यहाँ से क्रॉस करेंगे इधर समुद्र है, तो जो सरयू नदी के सीन लिए गए हैं वो सारे इधर ही लिए गए हैं। और जो अंकल थे ना पुजारी जो वहाँ पे पूजा कर रहे थे, मैंने सोचा ये कोई पुजारी वगैरह ही होंगे, उन्होंने एक बार मुझे बताया भी कि मैं मैनेजर हूँ, उस टाइम पे भी मैनेजर था जब मतलब रामायण की शूटिंग हुई थी, और अभी भी मैनेजर हूँ, तो मैंने सोचा हो सकता है भाई कोई ऐसे ही बोल रहे हैं झूठ। अभी मैं जब आ रहा था ना बाहर तब वो मेरे को मिले, मैनेजर वाले रूम में ही बैठे थे मैनेजर की कुर्सी पे, तब मेरे को यकीन हुआ कि हाँ ये मैनेजर ही है रियल में। तो उन्होंने ही मुझे परमिशन दिलवाई थी, जो सेट दिखवाया था ना अंदर वाला, तो बोला था उन्होंने जो गार्ड साहब थे कि बच्चों को सेट दिखा दीजिए, हमने उनको बताया कि हम आगरा से आए हैं ऐसे ऐसे वीडियो वगैरह बनाते हैं, सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चों को सेट दिखवा दीजिए, लेकिन यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम थी, तो चलते हैं यहाँ से। वो पहले आप लोगों को ये दिखा देते हैं जो समुद्र है, उसके बाद चलेंगे दूसरे स्टूडियो में जो स्वास्तिक स्टूडियो है ना, वहाँ पे राधा कृष्णा का शूटिंग हो रहा है, और भी कई सीरियलों के वहाँ शूटिंग होते हैं, वो बता रहे थे मैनेजर साहब इससे भी अच्छा बना हुआ है, और कुछ सीन तो जंगल वाले जो सीन है ना वो इधर से भी शूट कर लिए जाते थे, जिसमें ये बहुत ज्यादा घना जंगल दिखाया जाता था। ऐसे लग रहा होगा कि नाव चल रही है, कैमरे में ऐसे दिख रहा है जैसे नाव चल रही है, मेरे को भी दिख रहा है। तो वो वाला पानी है उधर समुद्र में, वहां पे लहरें उठ रही हैं, लेकिन वहां तक जाना बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, आगे पूरा कीचड़ कीचड़ है। तो समुद्र वाले जो सीन थे ना रामायण के अंदर वो सारे यहीं पे शूट हुए थे, मतलब सरयू नदी और गंगा नदी जो दिखाई गई थी वो इधर ही दिखाई गई थी, जिसमें आप लोग अगर देखी रामायण जब आप लोगों ने देखी होगी तो इस टाइप के जो ब्लैक वाले पत्थर है ना, ऐसे पत्थर आप लोगों को देखे होंगे, तो वो सारे सीन यहीं पे शूट किए गए थे। और रामानंद सागर साहब को ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पे वन हो, महल हो, मैदान हो और समुद्र हो, ये सारी चीज़ें मिल जाए, वहीं पे उनको ये रामायण सीरियल शूट करना था, वो सारी चीज़ें इस जगह पे मिल गई उनको, और यहीं पे ये जो सीरियल था वो शूट हुआ। बहुत ही अच्छी जगह है यार, आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
गर्मी है लेकिन एहसास नहीं हो रहा ना गर्मी का, क्योंकि हम समुद्र के किनारे बैठे हैं तो ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक और स्टूडियो है जिसका नाम है शायद स्वास्तिक स्टूडियो, वहाँ पे भी चलेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत से कमेंट आए थे भाइयों के कि आप रामायण की शूटिंग दिखाइए, रामायण की शूटिंग दिखाइए। काफ़ी दिनों से इधर आने को था, मेरा प्लान लगभग बहुत दिन पहले बन गया था कि उमरगांव जाऊंगा, वहां पे ये स्टूडियो दिखाऊंगा। तो आखिरकार हम यहां पे पहुंचे, आप लोगों को ये शूटिंग जो प्लेस है रामायण का वो हमने दिखाया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।